सबसे पहले यहाँ के जो आयोजक है संविधान बचाओ मोर्चा, जितने भी हमारे साथी हैं उनको हम धन्यवाद देंगे। और सबसे ज्यादा जो धन्यवाद के पास है और जिसको सही माने हम सभी लोगों को सलाम ठोकने का काम करना चाहिए, वो आज यहाँ बैठेंगे हमारी माताएं बहने। हम लोग नौजवान है, ज्यादा उम्र नहीं है। लोग कहते हैं कि जब नौजवान सरकट बनता है उसको सत्ता पलटती है, लेकिन ये जो आंदोलन है ऐसा एहसास हो रहा है कि महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ करके आग्रह ली है तो ये पक्का होगा कि सत्ता में बैठे हुए लक्ष्मीराम गौतम के वंशज बेदखल होंगे। नाम लेने की जरूरत नहीं, ये लक्ष्मीराम गौतम के लोग, गोवर्कर के लोग, आरएसएस के लोग झूठ बोल करके लोगों को धोखा दे करके सत्ता में है। सब लोग जानते हैं विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोग अगर सही मायने में याद करोगे 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाजपा ने बनाने का काम किया था तो आप सबों के नेता आदर के लालू जी ने आराम से पीछे जाकर के ये कहा था कि ये देश की जनता को फैसला करना है कि देश हमारा टूटेगा या एक रहेगा। आपके नेता ने जो देश में खतरा मंडरा रहा है उसको पहले ही पहचान रखा था, जानते थे, और आरएसएस के डिजाइन को, सांप्रदायिक डिजाइन को अगर कोई चुनौती नहीं मात देने का काम करता है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। आप लोग सभी लोगों को पता होगा जब अडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा निकालने का काम किया था, रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद जब गिराने का काम कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सत्ता का अपना प्रभाव किए हुए देश के भाईचारे के लिए, एकता के लिए, शांति के लिए, अमन के लिए उन्होंने सत्ता का बिना परवाह किए हुए अडवाणी जी के रथ को रोकने का काम किया, उनको गिरफ्तार करने का काम किया। आप देखिएगा उस दौर में पूरा हिंदुस्तान जल रहा था लेकिन बिहार की धरती में अमन चैन कायम था क्योंकि लालू जी ने शांति के लिए जो करना था वो उन्होंने करने का काम किया। आज दुख है इस बात का कि आपके नेता हम लोगों के साथ शारीरिक रूप से नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, ये अब आप लोगों को एहसास हो रहा होगा। अगर लालू जी अगर बाहर रहते तो शायद ये बीजेपी का जो मंसूबा है, आरएसएस का जो मंसूबा है, वो शायद पूरा नहीं हो पाता। इसलिए साजिश के तहत आदरणीय लालू जी को जेल में भेजने का काम किया। आज कानून लाया गया, काला कानून बना दिया गया, सीएए, आपका एनआरसी लाने की तैयारी हो रही है, उससे खतरनाक एनआरसी। एनआरसी तो हमेशा से होता रहा, लेकिन एनपीआर हमेशा से होता रहा, लेकिन आप देखिएगा इस बार अलग से उसके लिए कॉलम जोड़ा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और ये पूरी साजिश है। एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनसीआर, एनपीआर पहला कदम है एनआरसी के लिए, उसलिए एनआरसी का हम लोगों ने पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम किया। और
हम आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों के शरीर में खून रहेगा, इस काले कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। आज लालू जी बड़े ही जेल में, लोग भाजपा के लोग मोदी जी अरविंद से आप सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजोगे तो लालू जी डर जाएंगे। अरे लालू जी इनके गिरे था पीछे ट्रिपल तलाक को या और कोई कानून हो, एनआरसी हो, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से है, लेकिन ये अलग से है, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे।